जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आना बीमा भारती की सबसे बड़ी गलती थी। क्या बीमा भारती को इस गलती का पछतावा हो रहा है और अब वो क्या फिर से जेडीयू में वापसी करेंगी? क्योंकि बीमा भारती ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बीमा भारती कल विधानसभा पहुंची और नीतीश कुमार के चैम्बर के बाहर कई मिनट तक वेट करती रही। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें चैम्बर में बुलाया, नीतीश कुमार से बातचीत हुई और इस बातचीत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब बीमा भारती अपनी गलती पर पछतावा कर रही हैं और अब उन्हें जेडीयू में फिर से वापसी करनी है। पछतावा होने की कई सारी वजह है। बीमा भारती उस वक्त जेडीयू का दामन छोड़ दी जब लोकसभा चुनाव करीब था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, जेडीयू का दामन छोड़ा और उसके बाद आरजेडी के साथ चली आई। तेजस्वी यादव ने इसका बहुत बड़ा उपहार भी दिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को आरजेडी का कैंडिडेट बनाया, हालांकि वहां उन्हें शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव के सामने बीमा भारती टिक नहीं पाई, बीमा भारती बड़े मार्जिन से हार गई। हालांकि यहाँ भी बीमा भारती थमती नहीं है। इसके बाद रुपौली विधानसभा पर हुए उपचुनाव के लिए बीमा भारती को तेजस्वी यादव फिर से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारते हैं। वहां भी बीमा भारती निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह से हार जाती हैं। वहां भी बड़ा मार्जिन दिखाई देता है। ऐसे में बीमा भारती का क्या राजनीतिक करियर खत्म हो गया है? इस बात की चर्चा तेज हो गई है। सब ये कह रहे हैं कि बीमा भारती शायद अब राजनीति में कभी वापस ना आ पाए। इसी बात का डर बीमा भारती को सता रहा है और अब बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मिनट तक चली, ढेर सारे पहलुओं पर बातचीत हुई और जब मीडिया कर्मियों ने बीमा भारती से पूछा कि क्या आप जेडीयू में वापसी करेंगी, क्या आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, क्या जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ आना आपकी सबसे बड़ी गलती थी, तो बीमा भारती ने साफ तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे मुलाकात करने गई थी। बीमा भारती ने कहा कि मैंने अपनी पूरी बात नीतीश कुमार को बता दी है, अब नीतीश कुमार फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। बीमा भारती 5 बार की रुपौली की विधायक है। 2005 से लेकर 2020 तक लगातार वो रुपौली विधानसभा सीट पर जीतती आई, लेकिन इस बार जब वो जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ आई तो उन्हें उपचुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बुरी तरीके से बीमा भारती हार गई और अब नीतीश कुमार से मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ फिर से बीमा भारती आ जाएंगी, बीमा भारती आरजेडी के साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाएंगी। इस तरीके की बातें राजनीति में लगातार चल रही है और अब ऐसे में बीमा भारती ने क्लियर भी नहीं कहा। बीमा भारती ने संकेत जरूर दिया है कि राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं होता, अगर मौका मिला तो शायद बीमा भारती आरजेडी का दामन छोड़कर फिर से जेडीयू में शामिल हो सकती है। इस बारे में और भी अपडेट निकलकर सामने आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।